I hope you have watched all my previous lectures and solved all the questions given in the end of the lectures. आपको इससे थोड़ा हेल्प तो जरूर मिला होगा. Now I am going to start a very important topic, tense. The tense describes about the time and the state of an action. Tense is the change of form in a verb to express the time of an action. In terms of time of an action, tense can be in three forms: present tense, past tense, future tense. कार्य के समय के अनुसार टेंस की ये तीन फॉर्म्स हैं. प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है. पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन इन द पास्ट टाइम. पास्ट टेंस किसी हो चुके कार्य को रिप्रेजेंट करता है. वही फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन इन द फ्यूचर टाइम. फ्यूचर टेंस फ्यूचर के होने वाले एक्शन को रिप्रेजेंट करता है. इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे नेहा स्टडीज, नेहा पढ़ाई करती है. दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस. नेहा स्टडीड, नेहा पढ़ चुकी है. This sentence is in past tense. Neha will study. Neha padhegi. This sentence is in future tense. इन एग्जाम्पल से आप कार्य के समय के अनुसार टेंस के फॉर्म समझ गए होंगे. Now, in terms of a state of an action, tense can be defined as simple tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. कार्य की अवस्था के अनुसार टेंसेस की ये चार फॉर्म हैं. कार्य किसी भी अवस्था सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में क्यों ना हो, कार्य हमेशा प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर समय का ही होगा. हेंस प्रेजेंट, past and future are three main verb of tenses which are divided into simple continuous, perfect and perfect continuous. Hence, tenses are present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past simple tense, past continuous tense and so on. यह सभी टेंसेस डिफरेंट टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन के लिए यूज करे जाते हैं. हेंस दे यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर. नाउ आई विल डिस्कस स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ दीज टेंसेस. देन आफ्टर आई विल डिस्कस रूल्स रिलेटेड टू देम. Starting with present tense, part A, simple present tense. This is the structure of sentences in simple present tense. Subject plus verb 1 plus object. This sentence is in present simple tense. We go for morning walk every day. Here, go is in V1 form. एक्चुअली हमें स्ट्रक्चर में मेन फोकस सिर्फ वर्ब की फॉर्म में देना है, इसलिए मैं इसे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही. हमें सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 का यूज होता है, बाकी आप अपने आप कर लेंगे. यह स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस का है. अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चंस फ्रेम करना हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का यूज होता है. क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एटसेट्रा होते हैं. हेल्पिंग वर्ब मैंने वर्ब में ऑलरेडी डिस्कस करा है. Is, am, are, do, have, etc. helping verb है.
क्वेश्चन फ्रेम करना हमें इसलिए समझ लेना चाहिए क्योंकि इसका आइडिया ना होने पर हम कई बार गलत तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट यू आर डूइंग, यह सेंटेंस गलत है। अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाट आर यू डूइंग बोलना चाहिए, यानी व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए। जैसा कि स्ट्रक्चर में है, क्वेश्चन फ्रेमिंग का यूज हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी पड़ेगा, इसलिए इसे ध्यान से देख लेना चाहिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे वेयर डू यू वर्क, व्हाट डज ही थिंक अबाउट यू एटसेट्रा। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज देखते हैं। दिस टेंस इंडिकेट्स द प्रेजेंट टाइम एंड स्टेट विच इज रेगुलर, कस्टम, हैबिचुअल, रिपीटेटिव, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, मेंटल एक्टिविटी, फैक्ट, परमानेंट एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। लाइक आई वर्क इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन etc. This tense is also used to express any definite future course of action. Like, the party starts tonight at 9 o'clock. I guess इन्हें आप read करते ही समझ गए होंगे। Simple present tense से related rules मैं सभी tenses पढ़ने के बाद discuss करूंगी। अभी नेक्स्ट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दिस टेंस इंडिकेट्स द एक्शंस दैट आर प्रोग्रेसिव एंड टेम्पररी इन नेचर। इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एनी डेफिनेट एक्शन अबाउट टू ऑकर इन द नियर फ्यूचर। यह टेंस वर्तमान समय में हो रहे कार्य के लिए यूज होता है, जैसे रीमा इज वॉचिंग टीवी। यहाँ रीमा वर्तमान समय में टीवी देख रही है। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई एम गोइंग टू माय आंट्स हाउस टुमारो। यह कार्य निकट भविष्य में होने वाला है, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब वन के साथ आईएनजी का यूज होता है और क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए यह स्ट्रक्चर फॉलो होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसे और डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड रूल्स लास्ट में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन फ्रेम करने का स्ट्रक्चर खुद बना लेंगे। आसान ही है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कनेक्ट्स पास्ट विद द प्रेजेंट। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एनी कोर्स ऑफ एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड जस्ट नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुए कार्य के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, I have taken my lunch. The guests have arrived. I think इन examples को explain करने की जरूरत नहीं है। हम direct present perfect continuous tense देखते हैं। This is the structure of sentences in present perfect continuous tense. Subject plus has, have plus been प्लस V1 प्लस ING प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम इन्फॉर्मेशन।
This tense represents some action started in past but continues in present also. It specifies the duration of the action. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन कार्यों को प्रेजेंट करते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुए हो और अभी भी चल रहे हों. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल फॉर लास्ट टू इयर्स. इस टेंस में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, बट फिर भी एग्जाम में फॉर एंड सिंस के साथ गलत तरीके से टाइम का यूज करके सवाल बनाए जाते हैं. मैं सिंस एंड फॉर का यूज प्रीपोजिशन में डिस्कस करूंगी. अब पास्ट टेंस में आते हैं.